सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिडेग में। दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपडेट आ चुका है फॉर रियलमी 2 एंड रियलमी सी 1 एंड उसे जो काफ़ी बहुत ही बड़ा एक अपडेट है, इसमें जो कि आप लोगों को बहुत सारा नए नए फीचर्स देखने को मिलेगा एंड उसे इसमें जो कि बहुत सारा चेंजेस भी किया गया है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला इस वाले अपडेट को लेकर, तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में एक बार से प्रेस कर देना एंड आप लोग मुझे एक बार से यार इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का आईडी अभी स्क्रीन में आप लोगों को जो कि शो कर रहा है। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को जो डिटेल में बताता हूँ कि इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलता है फॉर रियलमी 2 एंड रियलमी सी 1। एंड सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कि बहुत ही बड़ा एक अपडेट है, ये जो कि पुश कर दिया गया है फॉर रियलमी 2 एंड रियलमी सी 1, अब सभी रियलमी 2 एंड रियलमी सी 1 यूजर्स का बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं मिला तो आप लोग सिंपल से जो कि वेट कर सकते हैं फॉर OTA, तो आप लोगों को जो कि बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो कि अपडेट लोग आप लोग देख सकते हैं, इस वाले अपडेट में क्या कुछ आप लोग जो कि चेंज देखने को मिलता होगा। तो ये देखिए एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल एंड क्विक एंटर द हिडन एप्लीकेशन लिस्ट विद फिंगरप्रिंट एडेड मैनुअल लॉक फीचर बाय लॉन्ग प्रेसिंग द पावर बटन। एंड दोस्तों इसमें जो कि आप लोग को और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लाइक डिजिटल वेलबिंग एंड सो लॉक स्क्रीन क्लॉक विजिट को चेंज किया गया है इसमें। एंड सो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करके नोटिफिकेशन अगर आपके स्क्रीन में आता है उसको भी आप लोग कर सकते हैं कुछ विड्रॉ। एंड और भी बहुत सारा यहाँ पे जो कुछ अगर बग्स था उसको भी फिक्स किया गया है। तो चलिए उसे एक एक करके यहाँ पे जो कि बात करने वाले इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसकी इंटरफेस की बात करें तो इसका जो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता होगा, जो कि काफ़ी शानदार एक लुक देता है। एंड सो इसके लिए जो कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब तक देखने को मिलेगा ये वाला अपडेट रियलमी 2 एंड रियलमी सी 1 के लिए, तो फाइनली जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस टाइप का जो कि आप लोग एक नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता होगा। एंड सो यहाँ पे अगर हम और सिस्टम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा अबाउट फोन में जाने के बाद, जो कि एक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल जो कि आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही लेटेस्ट, जो कि अक्टूबर 5 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड सो इसके अगर हम लोग वर्जन की यार बात करें तो ये जो कि आप लोगों को मिलता होगा कलरोस वर्जन 6.0 ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके अगर वर्जन की बात करें तो 11_8.61 वाला एक वर्जन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। एंड दोस्तों इस वाले अपडेट में बहुत सारे जो कि बग्स को फिक्स किया गया है, लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो कि आप लोगों को फिक्स किया गया है, इशू ऑफ USB पॉप अप विंडो कैन नॉट बी पॉप्ड एंड सो यहाँ पे फिक्स्ड पार्ट ऑफ सीन विथ स्लो स्क्रीन ब्राइटनेस इशू। एंड सो यहाँ पे जो कि फिक्स्ड द वाईफाई कनेक्शन इशू, अगर कुछ वाईफाई में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कनेक्शन में देन उसको भी फिक्स किया गया। एंड सो यहाँ पे जो कि एप्लीकेशन अगर कोई क्रैश हो जा रहा था ओपन करते वक्त ही देन उसको भी फिक्स किया गया। ये जो कि कुछ था दोस्तों, अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रियलमी 2 एंड रियलमी के अंदर, तो इस वाले अपडेट को करने के बाद ये सारा जो कि प्रॉब्लम आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, जो अगर आपके होम स्क्रीन के अंदर आप अगर फोन को यूज कर रहे हैं देन अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता था आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को जो कि कुछ ऊपर को और स्वाइप करना होता था देन ये जो कि नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन से जाता था। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अभी लेफ्ट या फिर राइट कुछ भी अगर स्वाइप करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन पॉपअप होता था वो जो कि आपके स्क्रीन से चला जाएगा। तो अभी जो कि आप लोगों को ऊपर की ओर स्वाइप करना नहीं है, तो अगर आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन से चला जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और नए फीचर्स को इसमें ऐड किया गया है, जो कि फिंगरप्रिंट से आप अपने जो कि हाइड एप्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कैसे है? तो ये देखिए आप लोग जाएंगे फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड वाला ऑप्शन में, देन उससे यहाँ पे जो आप लोग देखने को मिल जाएगा एक फिंगरप्रिंट एनरोल का ऑप्शन। तो इसमें आप लोग जैसे ही जाते हैं देन उससे यहाँ पे जो कि आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल लीजिए, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कुछ स्टेप का एक शो होगा नीचे फिंगरप्रिंट फॉर हिडन एप्स क्विक स्टार्ट। तो ये देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिंगर 1 या फिर फिंगर 2, ओके। तो उससे यहाँ पे ये देखिए मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ फिंगर 1 को, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग अगर चले जाएंगे बैक करके तो यहाँ पे मैं एक ऐप को हाइड करके रखा हूँ फ्लिपकार्ट को, ठीक है। तो ये देखिए मैं कर देता हूँ उसके स्क्रीन को ऑफ एंड उससे यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हिडन एप्स यहाँ पे जो कि आप लोगों को शो करेगा। तो यहाँ पे ये जो कि एक अच्छे वाली फीचर है अगर आप लोग देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी वाली बात ये है कि ये देखिए अगर आप फिंगर 2 वाला यूज करेंगे तो ये जो कि नहीं आएगा। ये देखिए मैं फिंगर 2 यूज किया तो डायरेक्टली ये जो कि स्क्रीन ओपन हो जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं फिंगर 1 वाला इसमें यूज करूंगा तो ये देखिए पॉपअप होकर आएगा मेरा हिडन एप्स। तो ये जो कि एक अच्छे वाले फीचर इसमें ऐड किया गया है। तो कुछ स्टेप्स जो कि आप लोग सेट करके रख सकते हैं हाइड एप्स को क्विकली आप लोग जो कि एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जैसे आप लोग 2 उंगली कुछ स्टेप से पिंच करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को दिखाई देगा विजिट का ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं विजिट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को दिखाई देगा ये देखिए डेट एंड वेदर का ऑप्शन। तो जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों ये जो कि ऊपर में आ जाएगा,
तो यहाँ पे जो कि आप लोगों को शो होगा फ्राइडे अक्टूबर 11 है आज डेट। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए 31 डिग्री सेल्सियस सब कुछ यहाँ पे जो कि आप लोगों को शो होगा। तो ये जो कि नया ऐड किया गया जो कि पहले नहीं था। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को मिलता है एक लॉक स्क्रीन वाला एक ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए लॉक स्क्रीन के अंदर ये जो अभी शो कर रहा है आप लोगों को टाइम एंड डेट वगैरह, तो ये जो कि अभी शो कर रहा है आप लोगों को ओरिजिनल में, जो कि आप लोगों को पहले देखने को मिलता था कुछ वर्टिकल, तो यानी कि कुछ ऐसे जो कि लंबा आप लोगों को शो कर रहा था, अभी जो कि आप लोगों को ओरिजिनल शो कर रहा है पहले जो कि वर्टिकल था। एंड उससे यहाँ पे जो इसका स्मार्ट असिस्टेंट बार आप लोगों को मिलता होगा, तो इसको जो कि कुछ कस्टमाइज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे कस्टमाइज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कुछ शायद से कुछ यहाँ पे जो कि ऐड किया गया है। एंड इसको कुछ लाइट बनाया गया है इस वाले ये जो स्मार्ट असिस्टेंट हो इसको। एंड गाइज यहाँ पे जो आप लोग का पावर बटन मिलता होगा, तो पावर बटन को आप जैसे प्रेस करके रखते थे तो आप लोग जो कि यहाँ पे दो ऑप्शन आता था, एक जो कि है कुछ फोन को ऑफ करने का ऑप्शन, एंड उससे यहाँ पे फोन को रिबूट करने का ऑप्शन। एंड इसके ऊपर में दोस्तों अभी जो कि आप लोग एक और नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि एक सिक्योर लॉक का ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग जैसे सिक्योर लॉक पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपका स्क्रीन जो कि यहाँ पे ऑफ हो चुका है। इसको दोस्तों अगर आप फिंगरप्रिंट से ओपन करने के ट्राई करेंगे तो ये जो कि ओपन नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों अगर आप अपने जो कि पैटर्न देके रखे हैं तो पैटर्न डालना होगा, या फिर अगर रखें तो पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप अपना पासवर्ड डालेंगे देन ये जो कि फ़ोन ओपन होगा, या फिर दोस्तों अगर आप कुछ पैटर्न वगैरह देके रखे हैं तो पैटर्न डालने के बाद ये जो कि स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। ये जो कि काफ़ी एक सिक्योर लॉक यहाँ पर दिया गया है, इस वाले ऑप्शन को नया ऐड किया गया है इसमें। एंड दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है अपडेटेड बैटरी इंटरफेस, तो देखते हैं क्या कुछ इंटरफेस में चेंज किया गया है। तो देखिए जाते हैं हम लोग बैटरी के अंदर, एंड उससे यहाँ पे जो क्या कुछ देखने को मिलता है देखते हैं। ये देखिए यूज्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्क्रीन ऑन टाइम एंड उससे अवेलेबल, तो कुछ शायद जो कि इसी को जो कि चेंज किया गया है। तो ये जो काफ़ी अच्छे वाला बात है, कितना टाइम आपका जो कि स्क्रीन ऑन रहा है यहाँ पे जो कि आप लोग पता कर सकते हैं कितना टाइम यूज्ड हुआ है। एंड ये जो अभी आपका बैटरी आपके फ़ोन के अंदर, तो कितना टाइम अभी जो कि देने वाला है ये बैटरी, तो एक दिन 11 घंटा 4 मिनट जो कि अभी भी चल जाएगा। 81% मेरा अभी जो कि बैटरी है, अगर मैं इस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो जो कि ये चलेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ज़्यादा इसको यूज़ कर दूंगा तो शायद से जो कि 10 घंटा या फिर 5 घंटा में भी बैटरी जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ जो कि ये फीचर्स और भी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में एक बार से प्रेस शेयर कर लेना आप लोग। एंड उससे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपने रियलमी डिवाइस को लेकर, लाइक कुछ वाईफाई कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर कुछ अगर USB पोर्ट को अगर आप लोग डाल रहे थे वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर स्क्रीन ब्राइटनेस को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर दोस्तों अगर कोई ऐप ओपन करने के बाद ही अगर कुछ क्रैश हो जा रहा था, इसको जो कि फिक्स किया गया इस वाले अपडेट में। तो अगर आप लोग का अपडेट अभी तक नहीं मिला तो आप सिंपल से जो कि वेट कर सकते हैं, फॉर OTA है, बहुत ही जल्द आप सभी रियलमी डिवाइस को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर की जो कि है डिजिटल वेलबिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे Realme 7 के लिए डिजिटल वेलबिंग कब तक आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है। तो आप लोग जैसे ही जाएंगे दोस्तों सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, तो ये देखिए सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटियल कंट्रोल्स का ऑप्शन। तो इसमें आप लोग जैसे ही जाते हैं तो ये देखिए कुछ स्टेप का एक इंटरफेस आप लोगों को जो कि देखने को मिल जाता होगा फर्स्ट टाइम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग क्या है मैं बहुत बार जो कि बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोग यहाँ पे जो कि एक बार से बताना चाहूँगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का एक जो कि डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। एंड उससे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 टाइम अनलॉक, मतलब यहाँ पे मैं 29 टाइम्स आज जो कि अपने फ़ोन को अनलॉक किया हूँ, यानी कि जो इसका स्क्रीन है लॉक करने के बाद जो कि अनलॉक किया गया है इसका स्क्रीन को 29 टाइम्स आज के दिन में, ठीक है, अभी तक। एंड उससे यहाँ पे देखिए 40 नोटिफिकेशंस, यानी टोटल नोटिफिकेशन कुछ भी अगर आपका व्हाट्सअप फेसबुक या फिर और अदर कोई एप्स के अगर नोटिफिकेशन आता है तो सब कुछ मिला जुला कर जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आज मैं रिसीव किया हूँ अभी तक वो जो कि है 40 नोटिफिकेशन जो कि अभी तक आया है। एंड उससे यहाँ पे जो कि आप लोग कुछ फ्रिक्वेंटली जो आप लोग यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा एप्स, तो यहाँ पे जो कि आप लोग साइड साइड में शो करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके पहले मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये देखिए टुडे, ठीक है, आज के दिन में अभी जो कि 1:30 बज रहा है, तो ये देखिए अभी तक जो कि मैं इसको यूज़ किया हूँ इस फ़ोन को 1 घंटा 21 मिनट तक, ठीक है। एंड उससे इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसके अंदर दिन, ये देखिए स्क्रीन टाइम टोटल यहाँ पे जो कि शो करेगा जो मैं आप लोगों को बताया फ्राइडे अक्टूबर 11 का सब कुछ डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो कि आप लोगों को शो करेगा। एंड उससे यहाँ पे बिल्कुल ही आप लोग नीचे जैसे आप लोग जाएंगे तो ये देखिए तो उससे यहाँ पे देखिए यूट्यूब को दिखाई देगा 27 मिनट्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो कि मैं यूट्यूब को यूज़ किया हूँ आज के दिन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। एंड यहाँ पे जो कि यूसी ब्राउजर का यूज़ किया था जो कि 18 मिनट के लिए। एंड यहाँ पे जो कि सेटिंग्स को मैं ओपन किया 8 मिनट्स के लिए। यहाँ पे जो व्हाट्सअप यूज़ किया हूँ 4 मिनट्स, फेसबुक 3 मिनट्स, ऐसे कर करके जितना भी आप लोगों का एप्लीकेशन है सब कुछ जो कि यहाँ पे शो करेगा। एंड जो कि ये काफ़ी एक अच्छे वाले फीचर है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चा वगैरह है, एंड उसे अगर आप लोग कोई पेरेंट है तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन के अंदर क्या कुछ किया है। एंड से यहाँ पे जो कि क्या कुछ ओपन किया था, कौन सा एप्लीकेशन को ओपन किया था, या फिर कौन सा सेटिंग्स के अंदर गया, सब कुछ आप लोग जो कि यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो ये जो कि काफ़ी एक अच्छा वाला फीचर इसमें जो कि ऐड किया गया है।
तो दोस्तों ये था जो कि कुछ फीचर्स इस वाले अपडेट में जो कि ऐड किया गया है Realme 2 एंड Realme C1 के लिए। ठीक है, अगर मुझसे कुछ अगर छूट गया है कुछ फीचर वगैरह तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना। एंड से अगर आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो वो भी आप लोग कमेंट करके एक बार से बताना यार। एंड अगर आपको मिल गया है वो भी एक बार से कमेंट करके आप लोग बता देना। एंड से ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा वीडियो को एक बार से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। एंड से ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ एक बार से शेयर भी कर देना। मिलता हूं दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।